नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद और मैं हूं आपके साथ हिंदुस्तान की बेटी माधुरी कलार। अन्नदाता के आड़ लेकर अराजक गैंग ने आज फिर से बवाल की बिसात बिछानी चाहिए। भारत बंद के बहाने लोकतंत्र को चुनौती को हंगामा और फसाद के जरिए चुनौती देने की कोशिश। सड़कों पर उतरे उपद्रवियों को किसान कहकर उनका चक्का जाम करने वाली कारगुजारी को ढकने की कोशिश की गई, जिसके कारण आम हिंदुस्तान आज बुरी तरह से परेशान हुआ। मैं हिंदुस्तान की बेटी आपसे ये कहना चाहती हूं कि हिंदुस्तान का अन्नदाता तो आज भी अपने खेत खलिहानों में था, अपनी मिट्टी, अपने मवेशी, अपने फसल की रक्षा में लगा हुआ था और हंगामा करना उनका मकसद कभी नहीं रहा। तो फिर आज सड़कों पर हंगामा करने वाले ये लोग कौन थे जो हिंदुस्तान को जंग का मैदान बनाना चाहते थे? और उससे भी बड़ा सवाल ये, इस हंगामे के विपक्षी पार्टियों ने क्यों शह दी थी जिनका चेहरा अराजक गैंग के मुखिया राकेश टिकैत को बनाया गया? अन्नदाता की आड़ में सियासत की सुपारी। बंद रहेगा आज और जो लोग भी निकले वो लंच के बाद में घर से निकले, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। ये विपक्षी पार्टियों का बंद है, आप देख लीजिएगा कल से जहां विपक्षी पार्टी की सरकार है वहां पर बंद का जोर होगा, बाकी जगह पे कहीं जोर नहीं होगा। हंगामा, फसाद, अराजक गैंग का राष्ट्रवाद। भाई जाम या वो तो पूरा देश बंद का मतलब ये है कि देश बंद हो रहा है, जहां लोग बंद में बैठे हैं वहां पर भी बैठ जाओ। पाक में जिन्ना बर्बाद, हिंदुस्तान में जिंदाबाद। एक दिन की छुट्टी दी गई है सबको, आम जनता को भी, अपने ऑफिसों में उसमें ना जाए। कुछ राजनीतिक दल किसानों के ट्रैक्टर पर बैठकर अपनी ऊसर जमीन की जुताई में लगे हुए हैं। इसे कहते हैं कि किसानों के कंधे पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक। टिकैत की जिद में जिन्ना जिंदा। 10 साल भी आपके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा तो ये किसान 10 साल भी भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। तालिबानी संगठन जो है उसने अफगानिस्तान में कब्जा किया है, उस तरह की गतिविधियों को ये बढ़ाना चाहते। अन्नदाता की आड़ लेकर अराजकता वाली साजिश को फिर नए सिरे से परवान चढ़ाने पर लग गया है फर्जी गैंग। आंदोलन की आड़ में बवाल मचाने का खेला जारी है और भारत बंद के नाम पर टिकैत गैंग और उसके झांसे में आए लोग इसे खुलकर अंजाम देते दिखे। बंद के बहाने शहर शहर जाम, लोग परेशान। सर किस तरह की दिक्कत हो रही है आज भारत बंद का ऐलान किया गया है? रोजाना शॉर्ट लीव लग जाती है जी हमारे वहाँ पर ऑफिस में पहुँचते पहुँचते, आधी मतलब ये समझ लो 10 दिन की सैलरी हमारी कट जाती है। सर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, लिमिट से ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जैसे कि जाम में फंसना और भाई भारत बंद है आए दिन रोज कोई ना कोई कहानी होती रहती है। किस तरह की दिक्कत हो रही है भैया? बहुत दिक्कत रहती है, ये तो किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति हो रही है हमें तो ये लगता है। और इसमें जो कुछ विरोधी पार्टियां आए, मैं सत्ता पक्ष की भी बात नहीं करता हूँ, विरोधी दलों की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर ये सब कुछ राजनीतिक तौर पर चल रहा है। खेतों में असली किसान तो सड़क पर कौन? किसान का एजेंडा या सियासत की सुपारी? एक ऐसी परिस्थिति देश में निर्माण हो गई है कि देश का किसान जो हमारा अन्नदाता है, उस अन्नदाता ने ये भारत बंद का ऐलान किया है। किसान एजिटेशन करते करते थक चुका है, सड़कों पर बैठा हुआ है, कभी भारत बंद करता है, कभी रैलीज निकालता है। सरकार सुनने को तैयार नहीं, इसलिए वो सड़क पर फिर शांतपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं सरकार को अब उनकी मांग को मान लेना चाहिए।
टिकैत गैंग का भारत बंद का ऐलान के पीछे का सियासी खेल खुलकर सामने दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि अराजक गैंग को उकसावा कहां से मिल रहा है, उसकी पीठ थपथपाने वाले लोग कौन हैं, और अन्नदाता का नाम लेकर अराजकता के शातिर खेल को क्यों अंजाम दिया जा रहा है। बंद रहेगा आज, और जो लोग भी निकले वो लंच के बाद में घर से निकले, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। बहुत जगह जाम है, और उसमें जो लोग एम्बुलेंस है या कोई डॉक्टर का कार्ड किसी के पास में है या जो ज्यादा जरूरत वाले जो लोग होते हैं तो वो निकल जाते हैं। जो भारत बंद की घोषणा कर रहे हैं वो केवल ये तो बतावे हम किसानों के किस फायदे के लिए कर रहे हैं। तालिबानी संगठन जो है उसने अफगानिस्तान में कब्जा किया है, उस तरह की गतिविधियों को ये बढ़ाना चाहते। सवाल ये है कि क्या टिकैत की जिद में जिन्ना जिंदा हो उठे हैं? सवाल इसलिए है क्योंकि जिन्ना ने जिस तरह देश का बंटवारा कर अपनी राजनीति चमकाई, राकेश टिकैत अन्नदाताओं की आड़ लेकर उसी अंदाज में अपनी सियासत में जुटे हैं। 3 कृषि कानूनों की वापसी की जिद के पीछे अजीबोगरीब तर्क देने वाले टिकैत अब किसानों को नए सिरे से उकसाने में जुट गए हैं। उनका ताजा बयान सुनिए जिसमें वो कहते हैं कि किसान आंदोलन को 10 साल तक चलाने की तैयारी है और ये सब कुछ अराजक अंदाज में चलेगा। इसका इशारा भारत बंद के दौरान दिखी तस्वीरों ने फिर से साफ कर दिया। 10 साल भी आपके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा तो ये किसान 10 साल भी भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। टिकैत गैंग की साजिश किस तरह जिन्ना के अंदाज में बांटो और बवाल करो पर चल रही है, इसे किसान महापंचायत के नाम पर हो रही मीटिंगों से समझा जा सकता है, जिसमें किसानों के मुद्दों के नाम पर सरकार को उखाड़ फेंकने का उकसावा साफ साफ सुनाई देता है। सिस्टम को सबक सिखाने की बात होती है, लाल किला कांड का हवाला दिया जाता है। पानीपत की महापंचायत में टिकैत का भड़काऊ बयान सुर्खियों में है, जिसमें किसानों को उकसाते हुए कहते सुनाई दिए कि ट्रैक्टर तैयार रखो, फिर दिल्ली में जाने की जरूरत पड़ने वाली है। ट्विटर और फेसबुक पे आप चलाओ, ट्रैक्टर को तैयार रखो, कभी भी दिल्ली में जरूरत पड़ सकती है। तो क्या भारत बंद के जरिए टिकैत अब लाल किला कांड 2 को अंजाम देने की तैयारी आजमा रहे हैं? क्या अन्नदाता के नाम पर फिर हिंसक हंगामे की ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्या महापंचायत के जरिए टिकैत अपने अराजकता गैंग में गुर्गों की भर्ती का अभियान चला रहे हैं? और क्या टिकैत गैंग की इस शातिर साजिश को विपक्ष अपने चुनावी फायदे के लिए हवा दे रहा है? हाँ दे तो रहे, मिल तो कोई नहीं रहा समर्थन, ना कोई सड़क सड़क पे बैठ रहा, ऐसे ही सुख के ही बताओ। अभी देख कांग्रेस के अनिल चौधरी आपके पास आए। अनिल चौधरी आए तो यही तो आए सड़क पे, कहीं रास्ते उससे तो ऐसे ही जाम जूम कर रखे। यूपी चुनाव में 4 महीने बचे हैं और योगी सरकार के सामने विपक्ष का चुनावी प्लान धाराशाही है। ऐसे में किसान के कंधे पर बंदूक रखकर बवाल मचाने की तैयारी है, ये टिकैत गैंग का खेला बता रहा है। मुस्लिम वोटों के बंदरबाट की बिसात जब बिछती है तो बैंड बाजा भी दिखाई पड़ता है उनको, और जो लोग बैंड बाजे की बात करते हैं वो बारात लेके निकल पड़ते हैं वोटों की नीलामी केंद्रों की बारातें, तो ये इस तरह के बाराती हैं। कुछ राजनीतिक दल किसानों के ट्रैक्टर पर बैठकर अपनी ऊसर जमीन की जुताई में लगे हुए हैं। इसे कहते हैं कि किसानों के कंधे पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक। यही तो जिन्ना वाली सियासत है। सरकार पहले दिन से ये कह रही है कि कृषि कानूनों से क्या दिक्कत है ये तो बताइए, लेकिन इसके जवाब में किसानों को बरगलाने का खेल खेला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी तक की अनदेखी की जा रही है। किसानों के फायदे के लिए हर फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो 5 साल पहले 375 मिलना चाहिए था वो कब मिला है उसकी पूर्ति कर दे, और महंगाई के हिसाब से रेट बढ़ा दे, और जब वे स्पीच देते थे तो 450 रुपये की बात करते थे वो दे दे, C2+50 वाला फार्मूला लागू कर दे। किसानों की फसलें आधे रेट में खरीद रहे हैं, MSP पे खरीद नहीं हो रही है, उसका लाभ दे दे, तो फिर भी आगे बात करें। पानीपत की महापंचायत में टिकैत ने भीड़ को ये कहकर उकसाया कि BJP शासित राज्यों में भी गन्ना किसानों का बकाया समय पर नहीं दिया गया, इसलिए जब तक कानून वापसी नहीं होती आंदोलन यूं ही चलता रहेगा।
किसानों की फसलें आधे रेट में खरीद रहे हैं, एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है, उसका लाभ दे दे तो फिर भी आगे बात करें। हकीकत तो ये है कि यूपी की योगी सरकार ने गन्ने का भुगतान मूल्य बढ़ाकर 325 रुपए पर क्विंटल किया है, जबकि महाराष्ट्र में ये मात्र 180 रुपए पर क्विंटल है, जहां कांग्रेस शिवसेना एनसीपी की अघाड़ी सरकार है। फिर टिकैत की जुबान महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोलती। राकेश टिकैत के घर का आप दृश्य देखिए, उनका कोई काम तो रुका नहीं है, और वहाँ पर जो लोग बैठे हैं तथाकथित भोले किसानों के कंधे पर बंदूक रख के वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। ऐसी ही वजहें और टिकैत गैंग की अराजकता फैलाने के प्लान को देखकर भारतीय किसान यूनियन का एक धड़ा उनके खिलाफ खड़ा है और खुलकर कह रहा है कि टिकैत हिंदुस्तान में वही करने पर उतारू है जो तालिबान ने अफगानिस्तान में किया है। जो भारत बंद की घोषणा कर रहे हैं वो केवल ये तो बतावे हम किसानों के किस फायदे के लिए ये कर रहे हैं। तालिबानी संगठन जो है उसने अफगानिस्तान में कब्जा किया है, उस तरह की गतिविधियों को ये बढ़ाना चाहते। ये सवाल इसलिए है कि टिकैत और उनका फर्जी गैंग अन्नदाता के नाम पर पिछले 10 महीने से देश को बंधक बनाने का खेल खेल रहा है। देश ने इन 10 महीनों में दिल्ली बॉर्डर से लेकर हरियाणा यूपी में जगह जगह हंगामे की तस्वीरों को देखा है। जिन्हें टिकैती गैंग किसान बताकर दुनिया को भरमाने में जुटा है, उनकी शराबखोरी से बदनाम गलियों तक जाने और लूटपाट की तस्वीरें दुनिया देख चुकी है। ऐसे ही चेहरों को जुटाकर टिकैत गैंग अराजकता का खेल खेलता आया है, लेकिन देश देख रहा है कि असली किसान अपने खेत खलिहानों में है। वो 10 महीने तक अपना खेत खलिहान अपनी फसल को छोड़कर आखिर कैसे रह सकता है। और मीडिया के कैमरे भी इस सच को दिखा चुके हैं, किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग अराजकता के लिए जुटाए गए हैं उन्हें मुद्दे तक की खबर नहीं है। अराजकता के इसी खेल का खात्मा राष्ट्रवाद चाहता है, क्योंकि हंगामा फसाद यही है अराजक गैंग का मिजाज। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राकेश टिकैत और उनके हुड़दंगी गैंग का एजेंडा सियासी है और मकसद चुनावी, ये बात किसी से छिपी नहीं है। टिकैत किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी संदूक भरना चाहते हैं, इसीलिए कभी महापंचायत का प्रपंच रचते हैं, कभी भारत बंद की चाल चलते हैं। मैं हिंदुस्तान की बेटी आज सवाल पूछ रही हूं कि विपक्ष की ठेकेदारी कर रहे टिकैत का मकसद आखिर है क्या। 10 महीने से मेरी राजधानी बंधक है, सड़कों पर उपद्रवियों का कब्जा है, कभी दिल्ली में हुड़दंग, कभी हरियाणा में हंगामा, आखिर क्यों? आंदोलन की वजह से दिल्ली एनसीआर के हजारों लोगों को हर रोज दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत बंद के चलते आज दिन भर ट्रैफिक ठप रहा, लाखों लोग जाम में फंसे रहे, आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? मैं हिंदुस्तान की बेटी उन विपक्षी पार्टियों से भी सवाल पूछना चाहती हूं कि कृषि कानूनों के विरोध की आड़ में उपद्रव की साजिश क्यों? आखिर चुनाव के मौके पर ही आपको किसानों की याद क्यों आ रही है? 60 साल में कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया? कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही समाजवादी पार्टी को इससे पहले कभी किसानों की याद क्यों नहीं आई? जब सबको पता था कि भारत बंद है, ट्रैफिक में आप रहोगे तो नहीं निकलना चाहिए था। एजेंडा अगर सियासी हो, मकसद अगर चुनावी हो, आंदोलन की आड़ में विद्रोह की अगर प्लानिंग हो, तो आम आदमी की फिक्र किसे होगी? 10 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर हुड़दंग, महापंचायतों में भड़काऊ साजिश और अब भारत बंद के नाम पर शहर शहर उपद्रव। 10 महीने से आंदोलन के नाम पर तमाशा कर रहे टिकैत गैंग से कौन पूछे कि अपने एजेंडे के लिए लोगों की जिंदगी को जिन बनाना कब बंद करोगे? सरकार विरोधी विपक्ष के चुनावी एजेंडे की ठेकेदारी कब बंद करोगे? नकली किसानों के हुड़दंगी गैंग ने दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक किस तरह सड़कों पर तांडव किया, कैसे लोग मुश्किलों से जूझते रहे, इन तस्वीरों में देख लीजिए।
उपद्रवियों को न एम्बुलेंस में जूझते मरीज की फिक्र थी और न ही घर से अपने काम के लिए निकले लोगों की। कहीं हाईवे ठप कर दिया तो कहीं विकास प्राधिकरण पर ताला जड़ने की कोशिश की गई। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ठाणे नवी मुंबई हाईवे पर लोग कई घंटों तक फंसे रहे। हरियाणा पंजाब में ट्रेनों को रोका गया। कई शहरों में सरकारी ऑफिस में हमला किया गया। सवाल यह है कि कृषि कानूनों की आड़ में टिकैत गैंग के सरकार विरोधी एजेंडे के पीछे कौन है? क्या किसान संगठनों का हुड़दंग और महापंचायतों का प्रपंच विपक्षी पार्टियों के रिमोट कंट्रोल से नहीं चल रहा? चुनावी मौसम में आंदोलन जीवियों की सच्चाई यही है, लेकिन टिकैत से सवाल करो तो वो भड़क जाते हैं, जबकि चरण सिंह साफ कहते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय लोक दल का समर्थन है। हमने तो भारत बंद का आह्वान करा, हमने सीज नहीं किया कि सील कर दिया हो, पैक कर दिया हो पूर्ण रूप से। बहुत लोगों को रिलीफ है, जो लोग जा सकते हैं, जिनको जरूरत की हो है वो लोग जा सकते हैं, और इसमें आम जनता का सहयोग है। एक दिन की छुट्टी दी गई है सबको, आम जनता को भी, अपने ऑफिसों में उसमें ना जाए। बागपत की तस्वीरें देखिए, विरोध प्रदर्शन कर रहे ये लोग राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता हैं। पूरे देश में बंद की हकीकत यही है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और पटना से लेकर जयपुर तक सड़कों पर उतरे आंदोलनकारी असल में किसान नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता थे, जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासी संदूक भरने की जुगत लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और अजय मिश्रा टेनी ने टिकैत के सियासी षड्यंत्र पर पलटवार किया है। कुछ राजनीतिक दल किसानों के ट्रैक्टर पर बैठकर अपनी ऊसर जमीन की जुताई में लगे हुए हैं, और उनको लगता है कि किसानों के ट्रैक्टर पर बैठकर जो उनकी जमीन ऊसर हो गई है उसको जो है वो उपजाऊ बना लेंगे। और वहाँ पर जो लोग बैठे हैं तथाकथित भोले किसानों के कंधे पर बंदूक रख के वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि किसानों की आमदनी बढ़े, उनकी आय दुगनी हो। किसानों के बारे में, खेती के बारे में राहुल गांधी की क्या जानकारियां हैं, पूरा देश जानता है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि असली किसान खेतों में हल चला रहे हैं, अपनी फसल तैयार कर रहे हैं, ये नकली किसान हैं जिनके नेता राकेश टिकैत ने विपक्ष से सरकार हटाओ बीजेपी भगाओ अभियान की सुपारी ले रखी है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने सुबह ही भारत बंद का समर्थन कर अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को ये नहीं पसंद है, इसलिए आज भारत बंद है। #IStandWithFarmers। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को सपा का पूर्ण समर्थन है। देश के अन्नदाता का मान न करने वाली दम्भी भाजपा सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। #भाजपा_खत्म। मौका चुनावी है, लिहाजा विपक्षी पार्टियां राशन पानी लेकर सरकार के खिलाफ मैदान में उतर चुकी हैं। किसानों की फिक्र न कांग्रेस को है और न ही समाजवादी पार्टी को, अगर होती तो देश के किसानों की हालत अब तक सुधर चुकी होती। इन्हें सिर्फ कृषि कानूनों की आड़ में अपनी सियासी रोटी सेकनी है, क्योंकि अगले साल यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में चुनाव है। यूपी, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। विपक्ष ने 2022 में यूपी से और 2024 में केंद्र से बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का मंसूबा पाल रखा है, इसीलिए उपद्रवी गैंग की आग में घी डाल रहे हैं। पूरी देश की जनता पूरी भावनाओं के साथ किसानों के साथ है। आज लॉकडाउन भी चल रहा है तो उद्योग तो वैसे बंद ही पड़ा है, बेरोजगारी है, लोग घर में ही बैठे हैं सरकार की कृपा से, तो बंद तो चालू ही है। इसमें किसानों ने भी बंद का ऐलान किया है, हम मन से उनके साथ हैं। इस आंदोलन के अंदर ठिठुरती हुई ठंड में, बरसात में, गर्मी में, लू में, हर प्रकार से वो बेचारे त्रस्त हैं, पर सरकार सुनने को तैयार नहीं, इसलिए वो सड़क पर फिर शांतपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं सरकार को अब उनकी मांग को मान लेना चाहिए।
राकेश टिकैत के सियासी एजेंडे की पोल पहले ही खुल चुकी। मुजफ्फरनगर और पानीपत की महापंचायत में वो सरकार के खिलाफ जहर उगल चुके हैं, लोगों को भड़का चुके। मोदी सरकार की तुलना तालिबान आतंकियों से कर चुके हैं। टिकैत कई बार यूपी हरियाणा में हुड़दंग और बवाल की इबारत भी लिख चुके हैं। इससे पहले बंगाल चुनाव के वक्त टिकैत अपने दलबल के साथ पश्चिम बंगाल भी गए थे। कह रहे थे कि बीजेपी को बंगाल में सबक सिखाएंगे, लेकिन वहां ममता दीदी ने ही उन्हें भाव नहीं दिया, लिहाजा उल्टे पांव भाग निकले। जबकि यूपी हरियाणा उन्हें विरोधी पार्टियों से संजीवनी मिल रही है, इसीलिए वो 10 साल तक आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्ना के नाम पर पाकिस्तान बना और उसी पाकिस्तान में जिन्ना की मूर्ति को धमाके से उड़ा दिया गया। आखिर क्यों? ये खबर हो सकती है कि आपको चौंका रही हो, लेकिन मैं हिंदुस्तान की बेटी माधुरी कलाल इस खबर पर हैरान नहीं हूं, क्योंकि बंटवारे के जिस खूनी सोच से पाकिस्तान पैदा हुआ, उसी सोच से पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बांटने की बुनियाद तैयार कर ली। मैं हिंदुस्तान की बेटी मियां इमरान को यह याद दिला दूं कि दुनिया बापू के अहिंसा के विचारों में सिर नवाती है, जिन्ना के बंटवारे वाली सोच पर नहीं। बलूचिस्तान का धमाका उसी की गवाही है। पाकिस्तान में धमाके में जिन्ना तबाह। मैंने एक बड़े आदमी का जिक्र आपसे करना है अरुण साहब, एक दुखी दिल के साथ। फिर मैं आगे चलती हूँ। गवादर के हवाले से खबर आई है कि दस्ती बम धमाके के साथ कायदे आजम का मुजस्मा उड़ा दिया गया। बंटवारे की खोटी सोच पर धमाके की चोट। पाकिस्तान के जिला हरनाई के खोस इलाके में फ्रंटियर कोर की गाड़ी पर बम का हमला हुआ है। 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए हैं और BLA ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। दुनिया को बापू याद, जिन्ना की सोच बर्बाद। अब जबकि उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है, मेरा ख्याल ये है कि हमारी हुकूमत के लिए, हमारी अस्करी क्यादत के लिए बहुत जरूरी है कि जो उनके स्लीपिंग सेल हमारे यहाँ स्लीपर सेल्स हैं, उनके तक रसाई करनी चाहिए। मियां इमरान तालिबान को पर्दे के पीछे से शह देते रहे, दुनिया को ब्लैकमेल करने का मंसूबा बनाते रहे, लेकिन खेल उल्टा हो गया। संयुक्त राष्ट्र में तालिबान की पैरवी करने का मौका बड़ी मुश्किल से नियाजी से निकला, लेकिन ये हिमाकत उन्हें भारी पड़ गई। हिंदुस्तान की बेटी स्नेहा दुबे ने उन्हें UN के मंच पर धोकर रख दिया। 5 August 2019, it has jailed senior Kashmiri leadership, violently suppressed peaceful protest. This repression is accompanied by illegal efforts to change the demographic structure of the occupied territory. Entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. आतंक के सरपरस्त इमरान को घर में ही करारा सबक मिल गया है, ऐसा सबक जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने घंटों छिपाने की कोशिश की, लेकिन मामला सोशल मीडिया में वायरल होने पर कबूल करना पड़ा। मैंने एक बड़े आदमी का जिक्र आपसे करना है अरुण साहब, एक दुखी दिल के साथ। फिर मैं आगे चलती हूँ। गवादर के हवाले से खबर आई है कि दस्ती बम धमाके के साथ कायद आजम का मुजस्मा उड़ा दिया गया। इमरान सरकार को यह सबक बलूचिस्तान के ग्वादर से मिला था, जहाँ पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना की मूर्ति को धमाके से उड़ा दिया गया। किसने सोचा था कि जिस पाकिस्तान को जिन्ना ने बनाया, वहाँ उनकी मूर्ति देखने के लिए पाकिस्तान का एक तबका तैयार नहीं है। ये धमाका बंटवारे की उस सोच पर हमला था, जिसका शिकार आज पाकिस्तान में बलूचों को बनाया जा रहा है। उन्हें मौत के घाट उतारकर उनकी जमीन को इमरान सरकार चीन को सौगात में सौंप रहे हैं। इसी के खिलाफ विरोध जताते हुए जिन्ना की मूर्ति को धमाके से उड़ाया गया, ताकि इमरान सरकार को अपने ही देश में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाए।
बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में फोर्सेज ने कार्रवाई की है और एक ऐसे शख्स को मारा है जो इस सारी साजिशों में शामिल। चंद घंटों में दुनिया ने जिन्ना की मूर्ति का हश्र भी देख लिया और हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच को सिर नवाते अमेरिका को भी देख लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका बापू की सोच पर चलना चाहता है। As the world celebrates Mahatma Gandhi's birthday next week, we're all reminded that his message of non-violence, respect, tolerance matters today maybe more than it ever has. And so I'm looking forward to my discussions with the Prime Minister and thank you. महात्मा गांधी ने दुनिया को अहिंसा की सोच दी और जिन्ना की सोच ने हिंदुस्तान को बांटकर इंसानियत को लहूलुहान किया और उसे अब भी बुनियाद बनाकर पाकिस्तान बलूचिस्तान में बेगुनाहों की खून की नदियां बहा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान का जन्म खून खराबे और जिन्ना की बंटवारे वाली सोच का ही नतीजा है। ऐसे में उससे सुधरने की उम्मीद तो बेमानी ही है। आतंकिस्तान के हुक्मरानों से अपना मुल्क तो संभलता नहीं, फिर भी वो दूसरों के घरों को जलाने से बाज नहीं आते। अफगानिस्तान की बर्बादी दुनिया के सामने है। जिन्ना के चेलों ने पड़ोसी मुल्क को भी आतंक की आग में झोंक दिया। मैं हिंदुस्तान की बेटी, मुझे अपने देश के लोकतंत्र पर गर्व है। मेरे देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। पूरी दुनिया के लिए मेरा देश और मेरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था एक मिसाल है, क्योंकि मेरा देश गांधी के शांति अहिंसा के सिद्धांत पर चलता है, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद के रिमोट से। इसीलिए आजादी के 75 साल बाद भी वो बर्बाद है। मैं हिंदुस्तान की बेटी, आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता, क्योंकि जिन्ना वाली सोच वहां आज भी हावी है। खून खराबा और बंटवारे वाली सोच से कभी भी किसी भी देश का भला हो ही नहीं सकता। जिन्ना वाली सोच, आतंकियों को पना। अपने ही घर में झुलस रहा आतंकिस्तान। अफगान के बाद तबाह होगा पाकिस्तान। आपने कहावत तो सुनी होगी, जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन पाकिस्तान को क्या कहा जाए? इमरान बाजवा से अपना मुल्क संभल नहीं रहा। बलूचिस्तान, पख्तून, सिंध और गिलगित बाल्टिस्तान दशकों से आजादी की मांग कर रहे हैं। बलूच आंदोलनकारियों ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है, लेकिन आतंक के आका दूसरे मुल्क में टांग अड़ाने से बाज नहीं आते। अफगानिस्तान का उदाहरण आपके सामने है। अफगानिस्तान आज कराह रहा है। तालिबान सरेआम बेगुनाहों की हत्या कर रहा है, बेटियों से ज्यादती कर रहा है। इस अत्याचार के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, जिसने तालिबान की मदद की, उन्हें ट्रेनिंग दी और हथियार मुहैया कराए। अपने आतंकी मंसूबों के लिए पाकिस्तान ने पड़ोसी मुल्क को तबाह कर डाला। लोकतांत्रिक सरकार को बेदखल कर तालिबान आतंकियों के हाथों अफगानों की तबाही लिख दी। तालिबान जीते, वो क्यों नहीं लड़े? वो इसलिए नहीं लड़े कि करप्ट गवर्नमेंट के लिए, जो एक करप्ट गवर्नमेंट है उसके लिए कोई नहीं लड़ता। और दूसरी चीज, अफगानियों की एक साइकी है, वो हमेशा जो बाहर से आता है, जो उनके ऊपर फतह करने की कोशिश करता है, वो कौम उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। वो आजाद अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं। आतंकियों की वकालत कर रहे हैं इमरान खान की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। चीन के अलावा कोई उन्हें भाव नहीं दे रहा, इसके बावजूद वो तालिबानों की मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इमरान का फोन तक नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ अमेरिकी यात्रा पर गए पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत हुआ। तस्वीरें गवाह हैं। आतंकिस्तान का ये हश्र उसके हुक्मरानों की वजह से ही हुआ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पाकिस्तान को जमकर लताड़ा।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। लेकिन इमरान बाजवा की बेशर्मी देखिए, वो तालिबान आतंकियों का गुणगान करते घूम रहे हैं। Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our country. दरअसल विद्रोह, खून खराबा, बंटवारा और अलगाववाद पाकिस्तान के खून में है। जिन्ना की सोच जिस मुल्क की बुनियाद में हो, सोचिए वो शांति के रास्ते पर कैसे चल सकता है। बांटो और राज करो वाली चाल आतंकिस्तान के हुक्मरानों के दिमाग में आज भी दुर्गंध की तरह भरी हुई है। उन्हें अपने मुल्क की तबाही से कोई लेना देना नहीं, वो दूसरों की बर्बादी देखकर खुश होते हैं। सोचिए जिस मुल्क में हर रोज खून खराबा होता हो, हर महीने आतंकी हमले होते हो, बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर पीओके तक विरोध प्रदर्शन आम बात हो, वो बेशर्मी से हिंदुस्तान से सवाल करने की जरूरत करता है। इमरान खान हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत पर सवाल उठाते हैं और कश्मीर पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। The worst and most pervasive form of Islamophobia now rules India. The hate-filled Hinduvta ideology propagated by the fascist RSS BJP regime has unleashed a rain of fear and violence against India's 200 million Muslim strong community. पाकिस्तान को हिंदुस्तान के लोकतंत्र से सीखने की जरूरत थी। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं होता है, यहाँ सबका साथ सबका विकास होता है, क्योंकि हिंद की बुनियाद अहिंसक और लोकतांत्रिक है। अपनी उपलब्धियों की वजह से ही आज भारत विश्वगुरु बन चुका है। इसीलिए हिंदुस्तान पर गर्व करना शुरू कीजिए, अपने देश पर गर्व करना शुरू कीजिए, और यही होगा असल में आपका राष्ट्रवाद। फिलहाल इतना ही, कल फिर से तय वक्त पर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।